2020 के थ्रू आपका TA-CBIC में साथी इंस्पेक्टर, आपके CGST और आपका एग्जामिनर का जो जोन प्रेफरेंस का फॉर्म है वो आप सभी का आउट हो चुका है। किस तरीके से इन सारे फॉर्म्स को भरना है वो मैं बता देता हूँ। सेम सभी का फॉर्मेट जो है वो आप सभी का रहने वाला है। तो यहाँ पे TA का फॉर्मेट लेके बता रहा हूँ। साथ ही ये जो आपकी PDF है टेलीग्राम ग्रुप में आप सभी को मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ये 9/5 का आपका जो आप देख रहे हो, ठीक है, डेट यहाँ पे गलत हुआ है, यहाँ पे 9/11 होना चाहिए था जो लेटर आया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि 17/11 के पहले पहले ये जो जोन्स वगैरह के जो ये है वो आपके इनके पास पहुंच जाने चाहिए, ये ध्यान रखिए। अब नीचे आपको दिया गया इन्होंने, साथ ही आपका एनेक्जर ए में लिखा हुआ है कि भाई ये चीज़ें जो हैं आपकी वैकेंसी जो है वो आपका यहाँ पे GST वगैरह में आप सभी के यहाँ पे थी, ठीक है। आप एक बार अच्छे से देख लीजिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आप सभी को रहने वाली है, ठीक है। तो नीचे आपको पूरी आपको वैकेंसी दे दी गई है, फिर आपको यूजर मैनुअल्स आपको दे दिए गए हैं जोन प्रेफरेंस फॉर्म के लिए। तो मैनुअल फॉर वर्किंग के लिए जो जितना भी रहेगा वो आपका ऑनलाइन मोड के थ्रू जो है वो आप सभी का एलोकेशन जो है वो आप सभी का रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप न्यूली रिक्रूटिंग कैंडिडेट्स पे पूरा फिल करना है। तो ये जो आपको वेबसाइट दिख रही है DGHRDCBIC.gov.in एलोकेशन पे आपको लिंक पे जाना है। और जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पे आपको रोल नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस वेरिफिकेशन। रोल नंबर आपको अपना SSC CGL 2020 का भरना है, मोबाइल नंबर जो वहाँ पे दिया था वो भरना है, नीचे आपको ईमेल एड्रेस आपको डालना है, और इसके बाद आपको नीचे वेरिफिकेशन कोड जो है वो आप सभी को यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे आप जनरेट OTP करोगे। OTP करने के बाद फिर स्टेप टू में क्या है कि आपको OTP डालना होगा, वेरीफाई OTP आपको करना होगा। फिर नीचे आपको क्या है माई डिटेल्स का ऑप्शन जो है वो आप सभी को शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिखा दिया गया होगा पोस्ट एंड ईयर आपको भरा होगा, रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर आप सभी को भरना होगा। और इसके जस्ट बाद फिर आपको क्या करना है कि भाई नीचे डिटेल इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं टेबल टू में, ठीक है। नीचे आपको क्या है पूरा आपको वैकेंसी पोजिशंस आपको राइट साइड में पूरी दी होंगी, ठीक है, उसको एक बार अच्छे से देख लेना है। और फिर ये सारी चीज़ें चेक करके आपको प्रेफरेंस टैब जो कि आपका मेन्यू बार में फिफ्थ उसमें होंगी, ठीक है, वहाँ पे आपको जाना है। और उसके बाद जाने के बाद आपको यहाँ पे पूरी प्रेफरेंस जो है वो आपको भरनी है। तो आपने जो पोस्ट वहाँ पे चुनी हुई है उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए प्रेफरेंस जो है वो आप सभी को देनी है। तो यहाँ पे अलग अलग पोस्ट वाइज आपको यहाँ पे दिया गया है, इस तरीके से आपको देना है। और फिर आपको क्या करना है जब आप पूरी प्रेफरेंस अच्छे से भर लोगे, ठीक है, उसके बाद आपको फाइनल जो सबमिशन है वो आप सभी को करना है, ठीक है। जैसे ही आपका फाइनल सबमिशन हो जाएगा और उसके बाद क्या है कि अगर आपको कोई भी मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी अगर किसी को चेंज करना है तो उसके लिए क्या है कि नीचे आपको फॉर्मेट दिया गया है और पूरा आपको पूरा फिल करना है कि भाई इस पोस्ट में आप सेलेक्ट हुए हो CBIC में। और उसके बाद जो है वो आपको मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी चेंज करनी, जो पहले ये था और बाद के ये हुआ है। नीचे आपका क्या है यहाँ पे सिग्नेचर होगा, नेम ऑफ कैंडिडेट, रोल नंबर, यहाँ सभी का आपका भरा जाएगा, ठीक है। तो एनेक्जर सी जो है ये आपको अगर सबमिट करना है, अगर कुछ भी चेंज जो है वो आप सभी अपना करना चाहते हो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी में, ठीक है। तो ये सारे जो भी रीजन से आपके प्रिवेंटिव ऑफिसर, GST इंस्पेक्टर, साथ ही टैक्स असिस्टेंट और आपका एग्जामिनर, ये जो जितने भी हैं वो आप सभी को इनमें देख लेना, जहाँ जहाँ पे वैकेंसी है वही सारे जगह को आपको चूज करना है, ठीक है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी अलीबाबा टाइप करके पूछ सकते हो बाकी अपडेट्स के लिए।